तो दोस्तों आज हमने एक घड़ी ली है, स्मार्ट वॉच। ये नॉइस की स्मार्ट वॉच है, नॉइस की। और देखिए, ये ना इंटरनेट पे सबसे पहले फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो 3500 रुपये की सेल में आ रही थी, लेकिन हमने क्या है 2500 रुपये के आसपास में लिया है। एक ऑफ़र आया था, उस ऑफ़र में हमें जो है 2500 रुपये के आसपास की घड़ी मिल गई। और अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। देखिए नॉइज़ का, ये देख रहे हैं नॉइज़ का यहाँ पे जो है लोगो लगा हुआ है। ये कलर फिट का आइकन बज है और ये ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में आती है। बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ब्लूटूथ कॉलिंग का जो है। और अब देखिए इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं। और देखिए पीछे जैसा कि यहाँ है टच स्क्रीन, कॉलिंग फंक्शन, 7 डे बैटरी, ब्लड ऑक्सीजन, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर, मल्टी स्पोर्ट्स मोड। और बाकी तो यूज़ करने के बाद ही चलेगा पता कि इसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं इसके पर। लेकिन हाँ, अब मैं आपको बताऊँगा कि 2500 रुपये के हिसाब से वर्थ है लेनी नहीं है। और बाकी देखिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसा कि बहुत सारी लोगों ने वीडियो गिरी होंगी, अब ऐसे हम फेक वीडियो डालते नहीं हैं, हम तो यूज़ करके, यूज़ डे बाई डे करके भी अगर आप लोग कहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। यहाँ से अनबॉक्सिंग के लिए देखिए, जैसे अनबॉक्सिंग होगी इस तरीके से बॉक्स खुलता है और यहाँ आपको रखी मिलेगी हमारी प्यारी नॉइज़ की स्मार्ट वॉच। दोस्तों पैकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग की है, पैकिंग की बात करें, कुशनिंग जो है काफ़ी अच्छी दे रखी है यहाँ पे। अगर हाँ बॉक्स हमारा कहीं गिर भी जाता है, बॉक्स के ऊपर 5-10 किलो वेट भी आ जाता है, तो बॉक्स ख़राब नहीं होगा। बड़ी मजबूत वेटिंग है इस घड़ी की। देखिए कितना मोटे बजल्स हैं इसका, जो ये इन्होंने कुशनिंग दी है। इसे अलग रखते हैं, निकालते हैं अपनी हम प्यारी वॉच। देखिए ये वॉच निकल गई है हमारी। सबसे जो प्यारी बात है इस वॉच के अंदर, इसका वेट। इसके वेट को देख के लग रहा है कि ये एक अपने आप में प्रीमियम वॉच है। वेट काफ़ी अच्छा दिया, जैसे कि अच्छी क्वालिटी की वॉच होती हैं, मतलब महंगी वॉच होती हैं, उस तरीके से इसमें वेट दिया है। दोस्तों ये सब मेटल का है, ये फ्रेम इसका मेटल का है और नीचे जहाँ तक मुझे लगता है ये प्लास्टिक दे रखी है नीचे। और दोस्तों ये जो इसकी स्टेप दी है ये 20 mm की है। अगर ये 22 mm की होती तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छी लगती, पर लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी लग रही है और प्रीमियमनेस है घड़ी के अंदर। चलो इसे भी साइड में रखते हैं और बाकी देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। ये इसका जो है डाटा केबल है जिसके थ्रू ये चार्जिंग होगी। इसे भी खोल कर दिखाता हूँ मैं आपको। पैकिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है हर चीज़ की। हाँ जी, ये इसके जो है डाटा केबल इसके अंदर मिलता है हमें। और ये मैग्नेटिक एक तरफ से, तो मैं वही USB वाला हिसाब है, और ये इधर से जो है मैग्नेट वाला है। देखेंगे आप, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वॉच है तो इसे भी हम खोल लेते हैं यहाँ से। ये इसमें नीचे कुछ सेंसर दे रखे हैं आपको और ये यहाँ पे जो है चार्जिंग का इसका सिस्टम दे रखा है, जो ये मैं बताया है आपको, ये मैग्नेट वाला। तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ये इधर से लगेगा, जैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है। इस तरीके से अलग कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों जो आगे की वीडियो हैं इसके, मैं आपको घड़ी को यूज़ करने के बाद बताऊँगा। और यहाँ इसके अंदर बॉक्स में कुछ स्टिकर्स दे रखे हैं नॉइस के, और ये हमारे ऋषभ पंत भैया जी भी इसके ऐड में आए हुए हैं, और ये हैं हमारी कुछ ज्ञान की बातें जो इसके अंदर निकला हुआ है ये सब। और ठीक है दोस्तों, बाकी नई वीडियो मैं बनाता हूँ एक आपको यूज़ करने के बाद कि इसके रिव्यू क्या हैं मेरी तरफ से। तो दोस्तों वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।